अच्छी तरह से सुन लो, ये लास्ट वार्निंग है। हमारे बॉस बद्री नारायण इस जगह पे मल्टीनेशनल कंपनी बनाने वाले हैं। मम्मी एंड डॉटर, आगे से तुम लोग इधर नजर भी नहीं आना चाहिए। ए पुजारे, तुझे और तेरे भगवान दोनों को खाली करना होगा। सारी दुकानें जल्दी से जल्दी बंद कर दो, नहीं तो समझा क्या? पकड़ती हूँ, एक एक को काट। कहाँ जाएगा? अभी बताती हूँ। ओहो सॉरी बेबी। चल चल चलते हैं, हमारा शर्म चाहिए ये बोल रहे। चल। मेरा मजाक उड़ाते हो तुम सब लोग? कहाँ है वो बुड्ढा? स्लम खाली करने के लिए बोला तो मजाक उड़ाते हो मेरा? ढूंढो उसे, कहाँ है वो? ये तो हमारे भाई की तरह ही है। भाई आप इधर रुके थे क्या? मैं ऐसे सब जगह पे नहीं रहता हूँ। भाई उधर देखो, आपको लात मार रहा है, ऐसा पेंटिंग बनाया। पेंटिंग करने वाले, तूने ऐसा पेंट बनाया तो ये सच हो जाएगा क्या? हाँ, इस जाकिर के सीने पे कौन पैर रखेगा रे? तुम सब लोग आ गए, आने वाले हो पता था, लेकिन इतनी जल्दी आओगे ये नहीं पता था। अभी अच्छे हो ना, आगे से अच्छे नहीं रहोगे। रुको रुको, तुम लोग कचरे की तरह हो ना, निकाल दे दो इसे। कचरा बोल रहा है मुझे? बद्री भाई का पाला हुआ टाइगर हूँ मैं, कचरा बोल रहा है? दम है तो बुला उसे, बुला बुला। आएगा, रुक रुक रुक, इस जगह को छोड़ के मैं नहीं जाने वाला। ऑटो के नीचे देख क्या है, ऑटो के नीचे देख, देख देख। मैंने बोला ना, ऑटो के नीचे देख क्या है, देख 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 देख। ये देख, देखा कुछ? अरे कुछ तो नहीं है। ऊपर आसमान से आएगा, ऊपर देख, ऊपर देख। नहीं है वहाँ भी। अरे वाटर टैंक, वो वाटर टैंक के पास से ही आएगा, पक्का उधर से ही आएगा, वाटर टैंक के पास से। हाँ वो देखो, उधर से, हाँ उधर से ही आएगा पक्का। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? This is my life, my strife, my right to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी रहे हैं, बार बार जाकर तुम उन्हें क्यों तकलीफ देते हो? उनके पास सिर्फ वही एक जगह है, वो भी उनसे छीन लोगे तो वो कहाँ जाएंगे?
अरे जाकिर, कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या वही जगह चाहिए? हेलो डॉक्टर, मे आई कम इन? डॉक्टर को पेशेंट का सिर्फ ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, ज्ञान देना डॉक्टर का काम नहीं है। तेरी जो भी नौटंकी है वो नर्स के साथ कर, निकल। चलो। किसी के घर जाओ तो खाना खाकर आना चाहिए, मार खाकर नहीं आना चाहिए। अच्छा चल, जाने तो छोड़, और एक महीने में भाई आ जाएंगे, तब तक तू चुप रहना। लेकिन उनके आने के बाद जो लोग वहां रहते हैं उन्हें और उन्होंने जो तुझे दिया है वो सब पाई पाई चुकाकर खाली करवाएंगे। हम गणपति बिठाते हैं, कन्नड़ का राज्योत्सव उत्सव मनाएंगे। ये कहकर बहुत सारे लोग चंदा मांगने आते हैं, लेकिन हमारे राम ने मुझसे आकर कहा कि हमारे एरिया के लोगों की आकर मदद करो, इसलिए आज हम यहाँ पर फ्री चेकअप करवा रहे हैं। तो आपको जो भी तकलीफ होगी हम उसका फ्री इलाज करेंगे। ताली मेरे लिए मत बजाओ, आप आइए ना सर यहाँ पर। इस राम के लिए जोर से ताली बजाओ, इस सब का कारण राम है। राम अंदर जाकर सब कुछ रेडी कर देना, मैं आता हूँ। आप अंदर चलिए सिस्टर। फोन रिसीव किया क्या? नहीं सर। अरे बशीर बॉस, अरे ये कैसे दिन आ गए यार, वो राम कहाँ है? मुझे टेंशन हो रहा है यार। बॉस आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? अरे यार ये कब आता है, कब चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। एक महीना खत्म होने को आ गया। अरे 5 टारगेट छोड़ो, एक भी टारगेट कम्प्लीट नहीं किया यार। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा? बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। गोविंदा। अरे उठ जा भाई। नहीं उठूंगा गोविंदा। अरे मौत हो गई भाई। क्या मौत हुई है? इसे कहते हैं गेटअप। डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था तुझे, गलती से इंश्योरेंस एजेंट बन गया तू। हाँ मम्मी, अगर कॉलेज में मैं 6 सब्जेक्ट्स में फेल नहीं होता तो पक्का बन जाता, जस्ट मिस हो गया। जस्ट मिस। ओके बाय, डोंट फील बैड। मौत के घर में ऐसे रेडी होकर आने वाला तो अकेला इंसान है रे। रहने दो गोविंदा, सब रेडी है ना? सब कुछ रेडी करके रखा है, तेरे परफॉर्मेंस की राह देख रहा हूँ। इस बार मेरा परफॉर्मेंस पीक पे रहेगा गोविंदा। कैंडिडेट का नाम क्या है? रमेश मुखर्जी। ओ रमी। रमी 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 रमी, मैं और रमी ऑनलाइन रमी खेलकर दोस्त बने थे सर। रमी तू ये बता, क्या थी तुझमें कमी? आज तेरे बिना यहाँ सब बन गए हैं डमी डमी। मम्मी कहाँ है सर? मम्मी मम्मी मम्मी, रोना मत मम्मी, रोना मत, मैं हूं ना। अप्लीकेशन लेकर आना, मैं साइन कर दूंगा, ऐसा कहा था। अप्लीकेशन तो ले आया लेकिन साइन के लिए रमी नहीं है। रमी अगर ये कल साइन कर देता और आज चला जाता तो आज 5 करोड़ इंश्योरेंस के मिल जाते। कितना सर? 5 करोड़ सर। पिताजी। जी। पापा। हमारे लिए अब 5 करोड़ रुपए गए। ये तो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं। माताजी 5 करोड़ रुपए गए। हम सबको क्यों छोड़कर गए जी? हे भगवान, इतनी जल्दी इनको क्यों बुला लिया? रोइए मत मम्मी जी, रोइए मत। सर ये आपका बेटा है ना? सर वो गुजर गए माँ, छोटू चिप्स खा रहा है। मेरा बेटा रोना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा रोना चाहिए। मैं 10 करोड़ का इंश्योरेंस करवाऊंगा, तुम कल ही आ जाना। कल क्यों सर, पिताजी के आशीर्वाद से आज ही करिए ना, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा। कल क्यों, ये जो भी बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं, आज ही कर लो ना। हाँ भैया आज ही कर लो ना भैया। अभी करो जी। मेरे बच्चे के लिए मैं अभी करूँगा, मैं भी करूँगा। मैं
सब लोग करिए, सब लोग करिए। रमेश मुखर्जी की, रमेश मुखर्जी की। सारे लोग जिस चीज के लिए एक महीना लगाते हैं वो टारगेट एक ही दिन में पूरा कर दिया तूने। मैं पूरे महीने काम करने वालों में से नहीं हूँ गोविंदा, मैं महीने में सिर्फ एक दिन काम करता हूँ। और जरा साइड हो जा। अबे गोविंदा ये कौन है यार? ये वो डेड बॉडी की दोस्त है रे। दोस्त होने पे इतना रो रही है? हाँ, जब उसके डैडी चल बसेंगे तो कितना रोएगी ना। अबे तेरी तो। अबे गधे, हमारी कंपनी को ओपन हुए कितने महीने हो गए पता है? वहाँ पर एक आदमी ने भी टारगेट पूरा किया है क्या? अरे टारगेट का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हो कमीनो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मैं ही मर गया ऐसा झूठ बोलकर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा मुझे। हाय राम, यू आर लुकिंग हैंडसम। थैंक्स बेबी। राम, मेरे साथ डेट पर चलोगे क्या? मैं आ जाऊंगा बेबी। ए गोविंदा। यस बॉस। महीना पूरा हो गया लेकिन किसी ने भी टारगेट पूरा नहीं किया और कंपनी ओपन है, बंद होनी चाहिए थी ना। राम, सभी लड़कियों को नमस्ते। पूरा कर ही लेता है ना। कुछ कहा क्या आपने? एप्लीकेशन लिखो सर। लेकिन फिर भी मंथली टारगेट। राम, मंथली टारगेट 20 है, उसके साथ मैंने 80 किया है, कितना सेंचुरी। बल्ले बल्ले, मेरा कमीशन मुझे मिल जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना मंथली टारगेट पूरा कर लिया है। बाय बेबी। राम, यू आर माय ब्यूटीफुल हार्ट। 40,000 बिल हुआ है, उसे भर दो और अपनी बीवी को लेकर जाओ। हाँ? क्या बेटा, सिर्फ चक्कर आने की वजह से 40,000 का बिल आ गया? क्या कहा, सिर्फ चक्कर? अरे बीपी लो था, शुगर लेवल हाई था, 2 दिन आईसीयू में रखा था। जब एडमिट होते हो तब बचा लो बोलकर पैर पड़ते हो, फिर बिल ज्यादा हो गया ये बोलकर नाटक करते हो। वो बात नहीं है बेटा, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए है। अरे अगर औकात नहीं है तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल में क्यों आते हो? अरे तुम लोग के लिए है ना वो सरकारी हॉस्पिटल, वही जाके मरने का। किशोर, ये लोग अपनी जुबान पर लगाम दिया करो। ये क्या है, हॉस्पिटल के पेशेंट्स के साथ ऐसे बर्ताव करते हो? वो कह रहे हैं ना कि उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं, उतना लेकर डिस्चार्ज करके छोड़ देना चाहिए ना। ये लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए घूमने के लिए नहीं आते हैं, और डॉक्टर्स के लिए सब समान होते हैं। जिनके पास होगा उन्हें चार्ज करेंगे, जिनके पास नहीं है उनकी ऐसी ही सेवा करेंगे। सुनो सर, उनके पास जितना पैसा है वो ले लो और पेशेंट को डिस्चार्ज दो। श्योर सर। एंड यू Out of my hospital. Sir. Get out. Sir. क्या हुआ राम, सुबह सुबह आ गए? भाई वो इंश्योरेंस करवाना था इसलिए आया। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी फिर से बनाने वाला है तू या फिर कंपनी ने भेजा है? मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों के अलावा घर में काम करने वाले सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर हेल्थ लाइफ बोलकर 2-2 इंश्योरेंस करवा दिया तुमने। देखो अब बस एक ही बचा है, वो जो सामने है, परसों ही आया है हमारे यहाँ काम पर। हाँ चल उसका भी बना दे। अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो और आधार कार्ड दे देना इसको, तुम्हारी भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बना देगा ये। ठीक है भाई। हाँ, मैं अपने एरिए के लोगों के बारे में बात करने आया हूँ। बेचारे लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं और मर जा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल मेरे पहचान वाले थे इसलिए उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी, लेकिन वो बेचारे और कितनी हेल्प करेंगे, इसलिए हमारे लोगों का अगर इंश्योरेंस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हमारे लोगों को अब हमारे एरिया के लोग हमसे बहुत उम्मीद करते हैं, मैं उनके लिए जो भी करूंगा वो कम है। तू टेंशन मत ले, करा दूंगा। भाई चुपन्ना जी ने कॉल किया। भाई नमस्कार। राज भाई बोलिए। गोपाल जी, आज तुम्हारे एरिया में इलेक्शन के कैंप के लिए आने वाला था, अगर आप भी मेरे साथ रहते तो अच्छा रहता। ठीक है। थैंक यू। इस बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मैं त्रिरुगुर के गोपाल का सपोर्ट करने वाला हूँ। आप सब लोग क्या कहते हैं? हमें कोई भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले आप खड़े होते हैं। आपकी बात मना थोड़े कर सकते हैं राज भाई। राज भाई, आप क्यों वोट मांग रहे हो?
इस एरिया के सारे बच्चों को आप ही पढ़ाते हो, उस बात की हमें बहुत खुशी है। आप बहुत अच्छे हो, आप जिसे बोल देंगे हमारा वोट उसी को जाने वाला है। क्या कहते हो आप? सुनो, तुम कुछ भी बोलो, हम हर चीज के लिए रेडी। चुप हो जा तू, सब कुछ मेरी वजह से नहीं होता है। और अब गोपाल जी कुछ बोलेंगे। सबको मेरा नमस्कार। आप सभी को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने जो राज भाई पे भरोसा किया है और इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, इस भरोसे को मैं कायम रखूंगा। प्लीज आप मुझे वोट दीजिए और मैं आपकी सेवा कर सकूं, ऐसा मौका मुझे दें। मैं वादा करता हूं, मैं आप सबको इंश्योरेंस करवा के दूंगा। धन्यवाद। आप लोग मुझे वोट देंगे, इसका मैं रिश्वत दे रहा हूँ ऐसा मत समझना। वोट देना आपका हक है और सेवा करना मेरा कर्तव्य है। नमस्कार। परसों जिन्होंने हमारी एरिया में आकर हंगामा किया था वो बद्री नारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हैं, और इस तरह हंगामा करने वाले लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। एक बार जिस एरिया पर उनकी नजर पड़ जाती है ना, तो वो उस एरिया पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं राम, इसीलिए मैं इसे देख लूंगा। तुम थोड़ा शांत रहना भाई। हमारे एरिए पे अगर किसी ने नजर भी डाली तो आंखें निकाल लूंगा, लेकिन उसे अपनी जगह नहीं दूंगा। ए राम भाई, इसीलिए मैं तुझे समझा रहा था कि थोड़ा गुस्सा कम किया कर, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहां है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राम की तरह महीने के अंत में तुम्हारा टारगेट शुरू होना चाहिए और महीने के अंत में ही टारगेट खत्म कर देना चाहिए और मेरी कंपनी को ऊपर ऊपर और ऊपर लेकर जाना चाहिए। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स। यस बॉस। वेरी गुड। हाय राम। हाँ, महीने के एंड में आने वाला था, महीने के शुरुआत में ही आ गया। वाई राम, यू नो, ये सब मिलकर जो टारगेट अचीव करने वाले थे वो तुमने अकेले ही अचीव कर लिया। तुम लोगों को कुछ नहीं आता, पागल कहीं के? कि मंथ एंड में आता हूँ, आज मंथ स्टार्टिंग में आ गया हूँ कमीशन लेने अपने एरिया के लोगों के लिए। कैसा लगा मेरे एरिया के लोगों पे मेरी केयरिंग देख के? बॉस, नो कमेंट्स, ओनली लाइक्स। एप्लीकेशन एंड कमीशन, यू कमिंग फॉर माय एरिया। क्या मैनेजर हो के इंग्लिश नहीं आती आपको? जल्दी से ये सारे एप्लीकेशन को प्रोसेस करिए और एक कैंप फिक्स कर दीजिए। ओके बॉस, बाय। सर एक्सक्यूज मी, ये मेरा डॉगी है चिंटू मरी, मिस हो गया है, कहीं देखा है आपने? नहीं जी, नहीं देखा। सर मेरा डॉगी है चिंटू मरी, कहीं देखा है आपने? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? चल निकल, मैं खुद ही परेशान हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। सर इस डॉगी को कहीं देखा है आपने? सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी ये लड़की? मेरे डॉगी को देखा है? मेरे डॉगी को देखा है? मुझे तो लग रहा है कि ये पागल है। हेलो मैडम। हाँ? आपने डॉगी के बारे में पूछा, मैंने कुछ और समझ लिया, प्लीज यहाँ आइए। डॉगी हमारी जान है मैडम, बोला। मैडम ये बताइए कि आपके डॉगी को खोए हुए कितना टाइम हो गया? 5 मिनट हो गए। 5 मिनट? सिर्फ 5 मिनट हुआ? तुझे क्या करना है, मुंह बंद रख। सिर्फ 5 मिनट बोल रहा है? अबे कितना होता है, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। आइए मैडम, हम मिलके पूरे शहर में ढूंढते हैं। चलो जल्दी। लेफ्ट में चले या राइट में चले, बताइए कहाँ, किधर, किस तरफ चले? वैसे मैडम आपका नाम खुशी, और इस पेपर में नंबर किसका? मम्मी का। खुशी मैडम का नंबर ले लो, अगर वो डॉगी कहीं भी दिखे तो तुरंत इन्हें कॉल कर देना। ओके, तू साथ में ही रहेगा ना, तुझे कॉल कर देंगे। अरे वो डॉगी कहीं भी दिखे तो तुरंत कॉल कर देना। डॉगी कहीं मिलेगा तो तुझे ही कॉल करेंगे यार, तो मुंह बंद रखना। अगर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो किसे फोन करेगा तू? मैं सब समझ रहा हूँ मेरे भाई। 9742358। हेलो, क्यों मम्मी? सच्ची? ठीक है ठीक है ठीक है, आती हूँ। सर मेरा चिंटू मरी बिस्तर के नीचे ही सोया हुआ था, अब वो मिल गया है, मैं चलती हूँ। थैंक यू राम, थैंक यू सो मच मैडम। हाँ, डॉगी खोए हुए 5 मिनट हो गए, आपने पैम्पलेट भी बनवा दिया, तुझे क्या करना है? बाय। अबे पैम्पलेट से टेंट बनाने वाला है क्या? फोन नंबर लेने में इतनी देरी क्यों कर दी? तेरी तो सबसे पहले उसकी सारी डिटेल्स लेकर के मुझे बताओ। हाँ ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। यस ग्रुप, सारे डिटेल्स कलेक्ट कर लिया है। उसका नाम है खुशी और हमेशा खुश ही रहती है। उसने लॉ की पढ़ाई की है और किसी की केयर नहीं करती। उसके डैडी की कसम, वो कभी लॉयर नहीं बनेगी। हो गया हो गया हो गया, वाह क्या हो गया, पास हो गए क्या? नहीं, इस पार्ट दो,
टोटली 10 बचे हुए पूरे बैकलॉग्स एक ही साथ क्लियर कर दूंगी। एक बात बताऊं भाई, केबल वाले जब पैसे लेने आते हैं ना तो देखो क्या कहती है। देखो आईपीसी सेक्शन 497-420 के हिसाब से शादी होने के बाद बीवी को धोखा देकर दूसरी औरत से संबंध रखोगे तो जेल में 5 साल की सजा मिलेगी तुम्हें। अच्छा, अपनी शादी होने के बाद अपने पति को बोलना ये सब। अभी मेरा अमाउंट दो। देती हूँ, उसके पहले मैं ये डॉक्यूमेंट तुम्हारी बीवी के हाथ में दूंगी, तो कलेक्शन में तुम जो गैप मारते हो, रात को 9:30 से 10:30 जो तुम माला आंटी के घर में गाना गाते हो, ये कनेक्शन मुझे तुम्हारी बीवी को कनेक्ट करना होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ, द कलेक्शन हैज बीन मिसयूज्ड बाय द कनेक्शन, सो योर कलेक्शन इज ओवररूल्ड, दैट्स ऑल योर ऑनर। बिल अभी नहीं, नहीं नहीं मैडम, आपके लिए पूरा फ्री है। दो, ताली लो। एक गाय पे ध्यान दो और बाकी सबको साइड पे कर दो, उसी को खिलाते रहो। अब समझो वो ठीक ठाक दूध दे ही रही है, फिर भी उस पे प्रेशर डालते रहो। बाकी की गाय साइड पर रख दी है, अब होगा क्या, जो एक बची है वो भी मर जाएगी। According to the law, IPC section 420 food adulteration act के हिसाब से मैं तुम पर केस करूंगी तो तुम जेल जाओगे। उसके बाद तुम्हें बाहर आने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे, क्योंकि उस केस में फाइट करने वाली लॉयर दूध में पानी मिला है तो जेल भेज दीजिएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो हर रोज गाय को यहाँ लेकर आओ, हमारी आंखों के सामने दूध निकालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाय को डिग्री पढ़ाई नहीं है। मोस्टली प्रोटीन कम रहेगा इसमें। अब भूसा देना बंद कर दो, बूस्टर या हॉर्लिक्स दे दो। बूस्टर और हॉर्लिक्स? आज फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, कल लेकर आने से पहले 1 घंटा वॉकिंग करा कर लेकर आना गाय को। अगर उसे लाइन मारना है तो मुझे उसी के हिसाब से रहना होगा। चलो उसे पटाने के लिए अच्छा सा स्केच बनाना पड़ेगा, उसके लिए पीटर के पास चलते हैं। पीटर, 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 सुन लिया, खाना सुन लिया। कितनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है पीटर, पूरा घर महक रहा है। चुप हो जाना पीटर, घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से टकरा रही है। उसे वापस रख, मेरी बीवी का दिया हुआ फर्स्ट गिफ्ट है वो, वापस रखो उसे। बीबी छोड़ के चली गई, अब क्या ये वॉच पहन कर वॉचमैन का काम करेगा? ठीक है, अगर ऐसी बात करेगा तो मैं। पीटर, मैटर वो नहीं है पीटर। हाँ, हाँ। मैंने एक लड़की देखी है पीटर, कमाल की ब्यूटी है उसके पीटर। ब्यूटी के पीछे मत जा, ब्यूटी खो देगा तू। ब्यूटी के पीछे पड़कर ताजमहल बनाने वाला एक ही है, बाकी सब लोग मिट्टी में दफन हो गए बेटा। देख अपना एक्सपीरियंस मैं तुझे बताऊं क्या, वो लॉ है ना पीटर, मैटर सीरियस है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता है, उसे पटाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाना है। प्लान नाम क्या है उसका? खुशी पीटर। पढ़ाई क्या कर रही है? LLB। उसे क्या पसंद है? डॉगी बहुत पसंद है। डॉगी? ओ वो टमाटर दे। टमाटर? टमाटर वो प्याज दे। प्याज शक्तिवर्धक है ये। धुएं से डर गए? ऐसा करो कि सच में यार कमाल की ब्यूटी है इसकी। अरे मेरा डॉगी कितना प्यारा है, मेरा बच्चा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए, तुझे भी मेरा नाम पता है क्या? राम, मैंने बुलाया है। ओ, खुशी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये मेरा घर है। तुम यहाँ कैसे? मैं इधर से जा रहा था, मैंने इसे देखा तुम, मुझे अपना कालू याद आ गया तो रुक के इससे बातें करने लगा। कालू? उसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़ के चला गया। कोई ऐसी जगह नहीं बची, इंसान नहीं बचा जिससे मैंने पूछा ना हो। हर दिन एरिया एरिया भटकता रहता था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन आज आपके एरिया में आया और आप मिल गई। ओह, कालू का क्या हुआ? मैंने सब जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन मैंने उसे ढूंढना बंद नहीं किया और ना ही करूंगा। हर एक एरिया में मैं उसे ढूंढता हूँ। कालू की तरह न जाने कितने डॉगीज मुझे अनाथ मिले। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने दम पर एक भोभो आश्रम खोलूंगा। उन अनाथों का बाप तो मैं बन गया, लेकिन अभी भी माँ की जगह खाली है। भगवान, ये क्या कर रहा है तू? राम? मैं हूँ राम, माँ की जगह पर खड़ी रहूंगी मैं। भगवान जी, थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी ट्रैक पर कैसे आ गई है? कुछ नहीं खुशी जी,
जब तक आप जैसे लोग धरती पे हैं, मैं कहता हूँ कभी कोई भी डॉगी इस धरती पे अनाथ हो ही नहीं सकता है। इधर आओ। वो हमारे बगल वाले का डॉग है, उसके माँ बाप है। सो लकी। कल मैं तुम्हारे भोभो आश्रम में आऊंगी, आते समय मैं अपने चिंटू को भी लेकर आऊंगी। हमारे भोभो आश्रम में? अरे वाह, इतना अच्छा आश्रम मैंने कहीं देखा ही नहीं है। मैं लगता है इंप्रेस हो गया। चलिए ना आश्रम दिखाता हूँ आपको। ओके, ओके। हटना, हटना। जो लोग फायदे के लिए काम करें वो बिजनेस होता है और सेवा का काम सर्विस होता है। आइए ना मैडम, दिस इज सर्विस व्हीकल भोभो एम्बुलेंस। जब भी किसी डॉगी को कोई तकलीफ होता है तो वो भौ करके बुलाता है और हम अपनी एम्बुलेंस उसके पास भेज देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एक्चुअली नाइट में ट्रीटमेंट करते वक्त काफी लेट हो गया तो ये यहीं सो गया। क्या है भैया? अरे अरे सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। सर यहाँ देखिए, हमारे रमेश को स्वर की बीमारी हुई थी ना, इसलिए हड्डी को साइड करके बगल में रख दिया है। अगर गलती से चिकन का बुखार आ गया तो ऊपर से स्किन अप करके ऐसे ही बंद कर दूंगा सर। ये मटन सबका मन जाएगा। रमेश हमारे डॉगी का नाम है। हमने डॉगी का नाम रमेश इसलिए रखा क्योंकि लोग उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि डॉगीज को भी तो इंसानियत चाहिए ना। ठीक है, ओके ओके। तो ये सुअर का चिकन, वो हमारे रमेश को बुखार आ गया था, उसका बुखार ज्यादा बढ़ ना जाए इसलिए हमने क्लियर किया, क्योंकि वो बुखार चिकन भी तो हो सकता है। कमाल का टैलेंट है इसमें, कमाल का सच में। एक्चुअली मैम, मीट माय डॉग इज डॉक्टर जीनी। वो वहां देखिए, एक्चुअली जब मैंने इस डॉगी को रेस्क्यू किया था ना तो मुझे जर्मन में अवार्ड दिया गया, या इंटरनेशनल अवार्ड। जिंदगी एक सुंदर जीवन है, कुत्तों को हड्डी और मांस चाहिए है। डॉगीज को इंस्पिरेशन मिली इसलिए मैंने एक छोटी सी शायरी। अरे बॉस, बॉस, कौन है? मुझे बॉस से बात करनी है। संडे स्पेशल है सर, सबको चिकन मटन और फिश खिला दो सर। तीन दिन से कुछ खाया नहीं है, जो नखरा करेंगे उसको अच्छी तरह से बकरे का मटन खिला दूंगा सर। अरे सर, मेरा पेमेंट दे दो सर। इसने पी रखी है। ग्रेट है सर, आप ग्रेट। एक्चुअली ये डॉगी भी बहुत कमाल का है, इसको भारतीय लोगों ने रेस्क्यू किया था तब ये हमें मिला, इसलिए इसका नाम हमने पीवुड रख दिया। तब से हम इसे पीवुड बुलाते हैं। अगर उसे दारू की खुशबू ना मिले तो वो खाना नहीं खाता। उसके एडिक्शन को इसने अपना डेडिकेशन बना लिया। सुबह उठ के ये दारू पीता है, उसके बाद खाना बनाता है। कितना डेडिकेटेड है ये। मीट मिस्टर कुक कोको। हाय। खुशी रुकिए ना, इसे एक्स्ट्रा पेमेंट दो और यहाँ से जाने को कहो। चल 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 चल। चलिए अब मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ, आइए। मैंने इंसानों का मेडिटेशन देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम डॉग मेडिटेशन देख रही हूँ। ये सब मैं अपने कालू के लिए कर रहा हूँ। नौटंकी कहीं का, लड़की को बताने के लिए हमें यूज कर रहा है। यार ये तो कटक फिकर है, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ए, ये कहाँ है भाई? ओ, देख देखा ऊपर, नहीं नीचे देख, नीचे। अरे कड़क है यार, उसकी नकल देख, कितनी प्यारी है यार। राम, चिंटू को उनके साथ छोड़ सकते हैं क्या? अरे प्लीज छोड़िए ना, सब फ्रेंडली है। ओके चिंटू, क्या हुआ बेबी? नालायक कहीं के। अरे छोड़ना। क्या भाई, आप भी आपके लब के चक्कर में सारे डॉगी को उठाकर एक आश्रम में सेट किया हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी करतूत दिखाई दी। राम, ये सब कुछ सेटअप है क्या? नहीं, सेटअप मतलब क्या हुआ बेटी? अत्याचार हुआ है सर, अत्याचार। तुम्हारे साथ जिसने भी अत्याचार किया है उसे पकड़कर लोड़ हुए गन से उनके सर के पीछे रखकर अगर प्रेस कर दूंगा तो आगे से निकलेगा बुलेट। सर, मुझ पर नहीं सर। और किसको बेटी? चिंटू, मेरे डॉगी के साथ। इसकी तो डॉगीज को भी नहीं छोड़ा कमीनों ने। इस डॉगी के साथ जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया है उन्हें नहीं छोड़ूंगा, बिना कोर्ट केस के उनका चैप्टर खत्म कर दूंगा। गन निकालो, गाड़ी निकालो। सर, मेरे डॉगी के साथ डॉगी ने ही अत्याचार किया है सर।
डॉगी डॉगी के साथ अत्याचार करेंगे ये तो प्रकृति का नियम है ना बेटी, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। इमोशनल होकर मैंने सारे ग्लास तोड़ दिए, खून तक आ गया। जरा नर्स को भेजना, ट्रीटमेंट करना जरूरी है ना। सर कुछ भी बकवास मत करो सर, आश्रम वाश्रम का झूठ बोलकर जितने भी घरेलू डॉगी है उनकी चोरी करके मेरे चिंटू को टारगेट करके ग्रुप में मिलकर सब लोगों ने आईपीसी सेक्शन 128 बार ए के हिसाब से रेप करने वाली उस गैंग को उन कुत्तों को अभी अरेस्ट करना होगा, नहीं तो रुको रुको रुको। ए यू आर अंडर अरेस्ट। अरे क्यों भाई फोन नहीं किया, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आता हूं। ये चलना ना चिंटू, तू डर मत ओके सर। शो पीस के लिए खाकी पहनने वाला इंसान नहीं हूँ मैं, सीरियसली ड्यूटी करने के लिए खाकी पहनी है मैंने। मेरे अंदर एक एक कैरेक्टर है और एक एक कैरेक्टर एक एक चैप्टर है। तुम कचरे लोगों की तो मैं ऐसी वाट लगाऊंगा। सुदीप सर, किच्चा सुदीप सर, किच्चा सुदीप सर है ना? हाँ एकदम सही कहा भैया। क्या बोल रहे हो, सुदीप की तरह दिखता हूँ? आप सुदीप सर नहीं है क्या? नहीं मैं तो क्रांति कुमार हूँ। अरे मैं सुदीप सर समझ के कंफ्यूज हो गया सर। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, वो गुस्से में आकर ग्लास तोड़ दिया सर। एक बार दोबारा करेंगे क्या? हाँ करूंगा ना सर। सर सर सर, वो लास्ट वाला डायलॉग पंच वाला, फैंस है मेरे। देखना देखना, बिल्कुल उनकी तरह करेंगे। पर्दा फाड़ दिया सर, कमाल कमाल कर दिया सर। क्या फाड़ू, एकदम जबरदस्त। हम सभी तो आपका फैन हो गए सर। झूठ बोला तो बूट से मारूंगा। क्या सर, आप भी, आपका पहला वीडियो डाला हुआ हमने लाइक किया था सर। आपके एसोसिएशन क्लब में हम चारों मेंबर हैं सर। अच्छा सही सर। है क्या सर, प्लीज सर एक बार करके दिखाए ना, प्लीज सर एक बार। क्या है सर, सारे लोग कमाल कर दिया सर। सर प्लीज सर एक बार करिए ना। करता हूँ करता हूँ करता हूँ, करेंगे करेंगे करिए सर। 340 मोबाइल निकाल, मोबाइल वीडियो बनाते हैं। ये हर एक कैरेक्टर की एक एक मूंछ है। ये सलमान खान की है, ये अक्षय कुमार की है, ये अमरीश पुरी की है, और ये देखो ये है सुपरस्टार रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह की तरह दिख रहा हूँ ना? एग्जैक्टली सर। चलो 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 पीछे जाओ, रेडी सर एक्शन। अरे कैडबरे, जहाँ हाथी चलता है रास्ता वही होता है, आ रहा हूँ मैं। औरत जो अपने माथे पर कुमकुम लगाती है उसे साथ लेकर चलता हूँ मैं, और अगर किसी ने छुआ तो छोड़ता भी नहीं हूँ, इसलिए जरा सोच समझ कर छेड़ना। कैसा लगा, कैसा कैसा लगा? क्रांतिवीर सर की, क्रांतिवीर सर की। सर मूंछ पे हाथ रखिए ना। तो क्या सर, आप भी डॉगीज का केस हैंडल कर रहे हैं? सर ये आपके रेंज के हिसाब से ठीक नहीं है सर, आपको तो शेरों का केस हैंडल करना चाहिए सर। क्या करूं, मुझे भी वही पसंद है। लड़की स्टूडेंट है, मेरे ही खिलाफ है, क्या करूं अभी मैं? सर अरेस्ट करिए सर, अरेस्ट करिए सर। अरे नहीं आप अरेस्ट करिए सर, हमें अरेस्ट करिए। फैंस को अरेस्ट नहीं करता मैं, मुझे लाइक्स नहीं मिलेंगे और क्या कर सकते। चिंटू बॉयज, क्यों भाई कवर क्यों कर रहे हो? आइए ना सर, थोड़ा गोल घूम। चलिए सर आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैडम आपका गुस्सा जायज है। अच्छा आपके डॉगी को किस डॉगी ने किया है? अगर आपके डॉगी ने ये बता दिया तो हम अपने डॉगी के साथ आपके डॉगी की शादी करवा देंगे। क्यों भाई सही कह रहा हूँ ना? रेडी है ना सर? हाँ रेडी। और आप मैडम? व्हाट नो वे, वन सेकंड। डॉगी को ही मंगलसूत्र कैसे बांधेगा? यू आर राइट सर, आपने एकदम सही कहा। थैंक यू। मेरे डॉगी की तरफ से मैं इन्हें मंगलसूत्र पहना दूंगा। बस इनसे पूछ लीजिए कि ये मेरी बात से सहमत है या नहीं। क्या मैडम? अरे रुकिए रुकिए, कॉफी तो पीकर चाहिएगा। डॉगी से बात कर रहा हूँ। तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हुए अभी, बस नाम के लिए एक पति है और उसकी इतनी सुंदर पत्नी है। असली लाइफ तो तेरी सेट है बे, अपना घर दे दे वरना तेरी लाइफ खराब कर देंगे। हमारी बिल्डिंग्स के बीच तेरी जमीन आ रही है और भाई का स्विमिंग पूल यहीं पर बनेगा। फील करके देख, फील। इस जगह पर तैरते हुए आसपास के बिल्डिंग्स को देखकर अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना? इसलिए साइन कर। मेरी जान भी चली जाए तो जाने दो, ये जगह तुझे नहीं दूंगा। तेरी जान लेकर मैंने इस घर को तोड़ने के बारे में सोचा होता ना तो हमें इस घर में आने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन तेरी बीवी इतनी सुंदर है कि मेरा भी जी मचल गया है। मेरे पास और आनी।
ये कपल तो बहुत अच्छा है भाई, कोऑपरेट करते हुए साइलेंटली साइन कर दिया। हमारे जैसे अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। दूसरी वाली जगह का क्या हुआ? उस जगह का कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको ही आना होगा। 10 दिन के बाद मैं इंडिया आ रहा हूँ, तब तक वो जगह क्लीन हो जानी चाहिए। समझ गया भाई, हम जो कुछ भी करेंगे बहुत सन्नाटे में करेंगे। नमस्ते सर जी। नमस्ते। मौसम चेंज हो गया ना, सब जगह पे वायरल फीवर हो गया है। नमस्ते डॉक्टर जी। बेटी की तबीयत ठीक है? सुबह शाम 2 टाइम लेना, सब ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर। मैं बॉक्स में जो टैबलेट्स लेकर आया हूँ वो सब में बांट देना, और इनका ब्लड सैंपल्स लेकर हॉस्पिटल आना, भूलना मत। सब सही हो जाएगा। राम, मैं अभी चलता हूँ। सब ठीक तो है ना सर? ये एरिया थोड़ा साफ नहीं है ना, इसलिए सब कॉमन है, चिंता मत करो। आइए डॉक्टर। तुम यही रुको, इनको तुम्हारी जरूरत है। अरे वो पीटर कहाँ है? सुबह सुबह दरवाजा बंद करके न जाने कहाँ चला गया। अगर वो होता तो उसे भी दिखा देते, क्या पता वो भी बीमार हो। जानकी देखिए, अगर किसी ना किसी दिन हम दोनों एक होने वाले हैं तो मैं उस दिन आपको छोड़कर नहीं जाती। अब ये बार बार आकर मुझे तकलीफ मत दो। तकलीफ? जानकी तकलीफ मत कहो जानकी, हम दोनों इसी दिन मिले थे और जुदा भी इसी दिन हुए थे। साल में मेरे लिए सिर्फ यही एक दिन है। मैं कितना भी कोशिश करूं तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। मैं जान लगाकर इंतजार कर रहा हूं कि अपनी बेटी को देखूं। जानकी एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बेटी को मुझे दिखा दो जानकी। किसी भी कारण से ये संभव नहीं है। की हुई गलती को और बात को कभी भी माफी नहीं मिल सकती। अब कभी हमें देखने वापस मत आना। मेरी बेटी को बाप की जरूरत ना हो ऐसा मैंने उसे पाला है। देखो प्लीज प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ। जानकी जानकी मेरी बात सुनो। हेलो, क्या कर रही हो खुशी? एग्जाम है इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। पहले ये फालतू के मजाक बंद करके पढ़ाई करके एग्जाम में पास होने की सोचो। मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मैं पास होकर लॉयर नहीं बनी ना तो मैं आपकी बेटी ही नहीं। ओके ठीक है, बाय। बेटा इस बार दारू तुम्हारी तरफ से और खाना मेरी तरफ से। ए, पीटर को अचार बहुत पसंद है, दोनों में दो। ये लो भाई। दो, 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 रख, रख। सब लोग रेडी है ना? चलो शुरू करते हैं। पीटर, छोड़ छोड़ पीटर, छोड़। आज मैं दारू नहीं दूंगा। जब से चड्डी पहनने लगे हो कहानी बनाकर मुझे बेवकूफ बनाते रहते हो। मुझे याद है तब तुम लोग शरबत पीकर के भाग जाते थे, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो ये पीकर के लेट जाते हो तुम लोग। मैं किसे अपना दर्द बताऊंगा, किसे बताऊंगा? पीटर मजाक मत करो यार, तुम्हारी कहानी कौन नहीं सुनेगा? इसे पीने के बाद सब कॉन्सेंट्रेट होकर के तुम्हारी कहानी सुनेंगे, तभी तो फीलिंग आएगी। लाओ मुझे दोनों थोड़ा। ना 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 ना। लास्ट टाइम क्या किया तुम लोगों ने? इस बॉटल को लिया और पी करके चले गए तुम लोग, यही ना? पूरी रात गैरेज में घूम घूम कर नट बोल्ट टाइट करके गाड़ियों को अपनी कहानी सुनाता रहा पूरी रात। क्या है तुम लोग का, मेरी कहानी सुनने का मन नहीं होता है क्या तुम लोग को? आज मैं दारू नहीं दूंगा, तुम लोग को मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। साइलेंट रहना, सुनाता पीटर भाई थोड़ा सा। लाओ मैं अपने पास। आ, अकेले पीते इसे शर्म भी नहीं आ रही। राम मैं कौन हूँ? पीटर नंदन, मेरी पहचान, आर्टिस्ट है ना? आर्टिस्ट ना, आर्टिस्ट के पास एक दिल होता है ना, और दिल में फीलिंग्स भी होती है, और फीलिंग्स है तो प्यार भी होगा, और इस प्यार का नाम है जानकी। जानकी का नाम सुनने के बाद तुम्हें सुनाई दे रही है क्या मेरे दिल की धड़कन? बढ़ गई है ना? धक 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 धक
उस दिन सुबह रास्ते में स्कूल के बच्चों की मदद करने के लिए मैं पेंटिंग करते हुए पैसे कलेक्ट कर रहा था। बच्चों की मदद करने के लिए जानकी ने भी मदद की। जब मैं उसकी पेंटिंग कर रहा था तो वो भी मेरी पेंटिंग अपने दिल में बना रही थी। कटिंग चाय से शुरू हुई हमारी दोस्ती चाय खत्म होते ही प्यार में बदल गई, और उसके बाद सिर्फ जानकी वेट्स पीटर। सुनने के लिए साउंडिंग अच्छा लगता है ना। अब आगे क्या करें, जानकी के घर वाले और इस समाज के लोगों को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के दिन गुंडों के साथ उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। जानकी को अपनी जिंदगी में रखने की जिद की वजह से मैंने उसके भाई को भी मारा। मैंने गलत तो नहीं किया ना। उसके बाद हम दोनों का प्यार जानकी के पेट में पलने लगा। सब कुछ अच्छा था, क्या करें। उसी समय एक एग्जीबिशन के लिए मुझे काम करना पड़ा। बहुत कर्ज में डूब चुका था, बहुत तड़प रहा था। मेरे स्वाभिमान को बिना देखे जानकी ने अपने भाई से पैसे मांगे। हमारे लिए नहीं है ये, मेरे पेट में पलने वाले बच्चे के लिए है, ऐसा उसने कहा। भाई के हाथ के नीचे काम करो, ऐसा भी कहा उसने। फिर बात में बात बढ़ी। गुस्से में मैंने कहा कि इस बच्चे की भी जरूरत थी क्या। ऐसा बिल्कुल गुस्से में मैंने उसे बोल दिया था। बात सुनकर सुबह होने से पहले जानकी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने सब जगह ढूंढा, पूरे मैसूर में ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिली। 4 साल के बाद वो बेंगलुरु के स्कूल में टीचर का काम कर रही थी। मुझे पता चला, उसे वहां जाकर मिला। जानकी ने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैंने जानकी से कहा कि एक बार मुझे मेरे बच्चे का चेहरा तो दिखा दो। जानकी ने बच्चे को दिखाने से मना कर दिया। उसने कहा कि इसके पैदा होने से पहले तुमने ही ताने मारे थे, नहीं से पता नहीं मेरा बच्चा बेटा था या बेटी, लेकिन मैं उसे पागलों की तरह देखना चाहता था। बेटी है, लेकिन वो मेरी बेटी है। अगर मेरे बिना जानकारी के मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो बहुत स्वाभिमानी है राम, जो बोलती है करती है। मैंने उसके डर से अपनी बेटी को देखने की कोशिश ही नहीं की। हर साल वेडिंग एनिवर्सरी में उससे मिलने जरूर जाता हूं, लेकिन उसका दिल नहीं पिघलेगा, मेरी बेटी को नहीं दिखाएगी वो। जानता हूं मैं अच्छी तरह से, मैं आज इतना खुश हूं उसकी वजह सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। तुम लोग मुझे मिले, ये मेरा भाग्य है। शुरू करो। स्टार्ट। बेटा, तुम्हारी बेटी जहां भी है ना, एक ना एक दिन उसे तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा पीटर। लॉयर्स एंड नॉन लॉयर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डिस्कसिंग व्हाट द रूल ऑफ लॉ इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टाइप ऑफ द बेल? वन, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बेलर एंड बेली। टू, फॉर द सोल बेनिफिट्स ऑफ द बेली। थ्री, सोल बेनिफिट। कैमरा ऑन कर दिया है ना? यस बॉस। ज़ूम इन करो, ज़ूम इन। ज़ूमिंग बॉस। हाँ, माइक दो मुझे। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स सब ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। सब फाइनल इयर्स के स्टूडेंट्स, बात नहीं करेंगी क्या बुलबुल? HD और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपका स्वागत है, स्वागत है। तो बताइए मैडम, आप अपने फ्रेंड को एग्जाम में पास करने के लिए उसकी हेल्प कर रही है ना? आपके इस हिम्मत को हमारा चैनल प्रमोट कर रहा है। तो बताइए मैडम, माइक प्लीज। बताइए, क्या नॉनसेंस के लिए चल रही है यहाँ पे? हम यहाँ पर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं बस, है ना? हाँ वही तो। प्रूफ मिलने के बाद भी झूठ बोल रही है लॉ कॉलेज की प्यारी प्यारी लड़की। हेलो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हेलो मिस्टर स्टिंग रिपोर्टर सतीश। देखिए, तुम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना, और उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो मैं एक बार खासूंगी, नहीं तो दो बार खासूंगी। ये प्रूफ काफी है या फिर और भी चाहिए? एक ही क्वेश्चन बचा है, प्लीज हेल्प कीजिए ना सर। मैं अपनी बेबी की हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा? थैंक यू सर। लाइए फोन दीजिए। सर ये मेरा फोन है। सोना, मुझे भी अपने एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो मेरी सोना, मैं तुमसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अपने क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। I love you, सोना। अगर तुम्हारी हाँ है तो उसके लिए कर देना, और अगर ना है तो
कर देना, लेकिन सोना अगर तुमने किया ना तो ये प्रूफ ना सारे न्यूज चैनल पे नजर आएगा। तो मेरी सोना जवाब सोच समझ के देना। सब ठीक हो जाएगा मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, हम बस पहुंच ही गए। ब्लड मिला क्या? मिल गया है, आ रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ हेलो बॉस, गाड़ी पंचर हो गई है। अरे बगल के गैरेज में 10 लोग फाइट करने के लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे पीछे आ जा। काम हो गया क्या? ए बद्री, सिर्फ तेरे लड़के ही नहीं तो खुद भी आएगा तो भी मेरे एरिये को नहीं छीन पाएगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। बद्री नारायण के कदम रखते ही क्या होता है ये तू देख लेना। आना, अगली बार आना तो पूरे गैंग के साथ आना। राम, मैंने उसे कहा कि मैं अपना ही खून देता हूँ, लेकिन उन्हें ए नेगेटिव ही चाहिए। तुम भगवान की तरह आकर मेरी बेटी और उसके बच्चे को बचा लिया। इतना ओवर डायलॉग मत मारो वेंकट भाई। राम, बस हो गया। हो गया बस। आप हमें चाय पिलाते हैं ना? आपने हमसे कभी बिल मांगा है क्या? ठीक है, ओके। बच्चा हुआ है, खुश रहो यार। अरे रो क्यों रहा है? ही वेरी ब्यूटीफुल ना? थैंक यू अंकल। ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। थैंक यू। खुशी। पीटर। आपकी पेंटिंग में मैंने आपकी लाइफ में आपने जो खोया था वो इमोशन देखा, इसलिए थोड़ी अपसेट हो गई हूँ। ओह सॉरी बेटा। इट्स ओके। आप अपने आर्ट के जरिए गरीब बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ बेटी, हमारी एरिया में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए बुक्स बैग्स सब कुछ देकर उनकी हेल्प करता रहता हूँ। आपके इस काम में मैं भी साथ दूंगी। मेरी भी पेंटिंग बनाएंगे? ओह थैंक यू। आओ आओ आओ। थैंक यू। आओ बेटा, इसे पकड़ो। जाओ बैठो बैठो। हाँ
वाओ, ब्यूटीफुल अंकल। एवरीडे आप यहीं पर पेंटिंग करते हैं? बेटा आज यहाँ हूँ, कल कहीं और रहूंगा। अंकल मुझे आपके सारे पेंटिंग देखने का मन कर रहा है। तो तुम आराम से मेरे घर आ सकती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल घर आओ। ये भी पेंटिंग की तरह ही लग रही है ना? हाँ? आ जाओ बेटी, यहीं पर बैठ कर मैं वाओ अंकल, ये घर है या एग्जीबिशन हॉल? सो ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी पेंटिंग का इंस्पिरेशन कौन है? मुझे ये सब पेंटिंग देखने के बाद खुशी भी होती है, दुख भी होता है बेटी, क्योंकि बच्चों की तरह खेलने वाली उम्र कभी वापस नहीं आती। हम बच्चों जैसा मन खो चुके हैं, इसीलिए सब बनाया। सो ट्रू। ओ ओ ओ, एक मिनट एक मिनट। अभी साफ हो गया, आजा आजा, नीट एंड क्लीन। आर्टिस्ट का घर है, नीचे नहीं देखना चाहिए, दीवार पे देखना चाहिए। कॉफी या टी बेटा? वो सब ठीक है अंकल, आंटी नहीं है क्या? आंटी दुबई में है, साल में एक बार आती है सिर्फ। एक ही बार? हाँ, इसीलिए इतनी सारी पेंटिंग कर पाया मैं। खैर उन्हें छोड़ो, तुम्हें कॉफी चाहिए या टी? आप ही बताओ, कॉफी ओके है? लेकिन बेटा ये घर तो मेरा। अंकल आप बैठिए, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। खुशी फिल्टर कॉफी पी कर बताइए। अंकल दूध कहाँ है? वो सफेद वाले स्टील के पतीले में। कॉफी पाउडर? ब्राउन डिब्बा। शुगर? लाल डिब्बा। वो भी ऐसी थी, जब भी घर आती थी तो वो कहाँ है ये कहाँ है। ये लीजिए, गरम है, जल्दी लीजिए जल्दी। हेलो, कहाँ हो तुम खुशी? कॉलेज खत्म हो गया मम्मी, रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, संभल कर घर पर आना। ओके बाय 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 बाय। कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मेरा एरिया बहुत अच्छा है, चलो मैं सबसे मिलवाता हूँ। ओके। प्रमोद, वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जरा जल्दी कलेक्ट कर लेना यार। अगर रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी तो इंश्योरेंस करने में आसानी होगी। राम तुम टेंशन मत लो, सबका ब्लड कलेक्ट करके 3 डेज में सबका कार्ड इशू करने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है ना? ओके। ये है अब्दुल, सबके कपड़े इस्त्री करते हैं। ये है तिरुपुम का वेंकटेश, ये यहाँ पे बहुत फेमस इंसान है। हे राम। हाँ? ये मेरी फ्रेंड है खुशी। पीटर, हमारा लेवल और एरिया का रेंज क्या है? तू भी ना। क्यों भाई, क्या हुआ? किसी को भी उठा के लेके चला आता है, क्यों यार, क्यों करता है यार तू ऐसा? हेलो, माइंड योर टंग। अरे सुना, इंग्लिश? हाँ। यहाँ जितने लोग हैं ना, कोई दूध वाला है, कोई पेपर वाला है, इंग्लिश में तो क्या करेगा? अरे ये रास्ता है, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? तू इसे पहले से जानता है? पहले से जानता हूँ अशोक, जरा बताना इसे मैं कब से जानता हूँ। परसों जब दारू पी के वो लव स्टोरी सुना रहा था ना, ये वही है, स्ट्रॉबेरी। सांबर बनाने गया था, खीर बन गई। मैं जानता था कि ये वर्कआउट नहीं होने वाला है। घर में काम करने वाली कोई काम वाली नहीं, तो घर में काम करने के लिए ये कैसी रहेगी? मॉडर्न महालक्ष्मी मेरे लिए ओके है। ओके है। आजा बेटी। पीटर, मैं घर जा रही हूँ। जल्दी तो जल्दी आना, सुबह के बर्तन धोने हैं। बर्तन मांजने के लिए ऐसी ब्यूटी चाहिए। गोपाल भाई की, गोपाल भाई की, गोपाल भाई की। बहुत मुबारक हो गोपाल भाई। हेलो भाई 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 भाई। गोपाल भाई मैं बहुत खुश हूँ, लोगों ने आपके ऊपर जो विश्वास किया, आज उसी की बदौलत यहाँ पर हूँ। देखो भाई, ये जो मुझे अधिकार मिला है जनता की सेवा करने की, वो मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। देखो, तुम्हारे जैसा एक अच्छा सेवक और ईमानदार आदमी की जीत हो, ये मेरी इच्छा थी। याद रखना, ये जीत तुम्हें प्रजा ने दी है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई। गोपाल भाई के जय। गोपाल भाई के जय। हे वेंकटेश, परसों डॉक्टर आया था, तूने दिखाया नहीं उसे? खास खास कर पूरे एरिया में टी सप्लाई करता है कि सबको टीबी सप्लाई कर रहा है। अरे एक पर्दा डाल लेना, दिन भर खांसता रहता है, क्या सोचेंगे? टीबी वगैरह कुछ नहीं है भाई। हाँ। खास खास कर छाती में जलन हो रहा है। तो दुकान पे ही खांस रहा है तू। हेलो, गोविंदा बात कर रहा हूँ, पंटर भवन का खेल क्या? पंटर भवन का खेल खत्म हो गया? जी हाँ। इस बार मैं एक असिस्टेंट के साथ आऊंगा। असिस्टेंट? वो कौन है बे? तुम्हारी फ्रेंड।
खुशी। अरे वो बेचारी भोली लड़की है। बेचारी लड़की है हाँ। अभी मैं उसको एक मैसेज भेजूंगा, उसे हाँ। देखने के बाद वो मेरे पैर आके पकड़ेगी। देखना है, दिखाऊं क्या? क्या हुआ? ये क्या है? हेलो सोना। हेलो, मैं क्लास में हूँ। मैंने जो लोकेशन तुम्हें भेजा है उस लोकेशन पे आके मेरी पार्टनर नहीं बनोगी क्या तुम? नहीं आई तो वो वीडियो पूरे कॉलेज में शेयर हो जाएगा। बाय सोना। हेलो हेलो। हे अम्मा विजय अम्मा रामा अम्मा पाताल अम्मा कपाल अम्मा सबकी माँ हूँ मैं, बोलो अन्नपूर्णा माँ की जय। क्या परफॉर्मेंस है गोविंदा। ए पेंटर बाबन्ना, कमाल है भाई। क्यों दिया तूने? याद है ना क्या बोला था तूने? हाँ क्या बोला था तूने? क्या बोला था आपने माता? इन्होंने क्या सुना? मुझे भी बताओ माँ। इंश्योरेंस कर, इंश्योरेंस कर। मेरी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, तू अगर पीकर मर जाएगा तो मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी आखिर, बता मुझे। अभी भी समय नहीं गया है, तुम जब बुलाते हो मेरा भी आने का मन होता है, लेकिन क्या करूं मैं? मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है, इसीलिए हर एरिया में इंश्योरेंस एजेंट को रखा है मैंने। वो सब मेरे बच्चे हैं, तुम अभी तक नहीं समझ रहे हो? समझ गए सब, समझ गए। बताती हूँ। ए बच्चा यहाँ पर आ। अबे जाना। आया माँ। तुझे नहीं, उस बच्चे को बुला रही हूँ। बॉस, देवी आ गई है ऐसा सबने मान लिया है, चुपचाप चले जाओ नहीं तो चिल्लाएगी वो। जाओ जाओ, बैठ जा। देखो ये मेरा शिष्य है, तुम सब के लिए रखा गया सेवक है ये। ए बच्चे लेटर कहाँ है? कौन सा लेटर बे? एप्लीकेशन। ठीक है माँ। ए गोविंदा। आया बॉस। सबको एप्लीकेशन बांट दे और इंश्योरेंस करवा ले, और माता जी का फ्री में कर देना, क्योंकि देवी यही चाहती हैं। देवी ये लो। अभी आपकी कोई और इच्छा पूरी करनी बाकी है क्या? आ जा बच्चे, माँ का आशीर्वाद ले ले। आशीर्वाद अभी लेता। रहने दे, दे दिया मैंने आशीर्वाद। मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। माता चली गई, आगे का जो कार्यक्रम है आप लोग करिए। हाँ ओके, थैंक यू। दिखने में तो अच्छा ही दिखता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हूँ? वाह वाह, हमारे बॉस आए तो 100 और मैडम आए तो 200 कलेक्शन। कलेक्शन के ऊपर कलेक्शन हो रहा है, कमीशन पर कमीशन मिल रहा है। कमीशन? हाँ। कितना मिलता है? बहुत मिलता है मैडम, हमारे बॉस बहुत अमीर है। एक्चुअली आईटी रेड करेगी इसलिए स्लम में रहते हैं। अच्छा। राम आई लव यू। अरे अरे अबे गोविंदा, इसकी बॉडी में जो माता जी आई थी वो अभी तक गई नहीं क्या गोविंदा? राम आई रियली लव यू। कहीं ये सपना तो नहीं? आई लव यू टू, लेकिन एक कंडीशन है, इस टाइम पर सॉन्ग सुनाने मत जाना। फिर क्या करें? अरे 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 अरे। कितना बढ़िया फ्रेम है, मेरी नजर न लग जाए। बहुत ही क्यूट है। कैसी हो बेटी, पटा लिया तूने? पीटर, इस तरह से बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं। मैंने तो बस इसे पटाया है, तुम तो जानते हो ना मेरे बारे में। क्या कर रहे हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। बेटी रोड पे झगड़ा नहीं करने का, घर जाने के बाद ये तुम्हें डिशम करेगा, तुम इसे डिशम करना। देखो बेटी, राम बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती तो मैं इसके साथ शादी कर देता। ओ, मतलब खुशी तुम्हारी बेटी नहीं है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो? इनकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसे बेटा कहते रहते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ये भी मेरी बेटी ही है, बेटी की ही तरह। उम्र में मुझसे बड़े हैं इसलिए आशीर्वाद ले लेते हैं। ऊपर वाला करे कि जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए, बस एक साथ खुश रहना हमेशा, यही मेरी दुआ है। ठीक है।
जितना तुम लोगों ने मुझे परेशान किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। मैं यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाऊंगा। चुपचाप मेरे पैरों में पड़े रहो और जो काम मैं दूं वो करते रहो, ऐसा मैंने कहा लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। अगर तुम लोगों ने मेरी वार्निंग को सीरियसली लिया होता तो तुम में से किसी के भी साथ आज ये करने की नौबत नहीं आती। इस बद्री नारायण को तुम लोगों ने यहाँ आने पर मजबूर किया, अब मैं उस राम को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भाई यही राम है। जाओ बद्री नारायण, तूने अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के गरीबों को लूटा है और उनकी बलि चढ़ाई है, लेकिन तुझे मेरे बारे में नहीं पता है। अबे तू क्या, तेरे जैसे हजारों लोग भी आए ना तो एक फुट की भी जगह पे यहाँ कब्जा नहीं कर पाएंगे। ओए तुम्हें से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा वरना सबको काट दूंगा। चलो भाई। अरे छोड़ भाई। भाई। ए राम, मुझसे पंगा लेकर तूने ठीक नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई 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 भाई, नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाई वापस आऊंगा। भाई ये बद्री नारायण जैसे हजार लोग भी आएंगे ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। खाना खाओ, तुम चिंता मत करो। अरे रे, लाइट को भी अभी जाना था क्या? कौन है? लाइट चली गई है, हम लाइट वाले हैं भाई। कौन हो तुम लोग? Hey!
राम, I can't afford to have all these people inside. Please, please, सबको बाहर लेकर जाओ और शांत करो, सब ठीक हो जाएगा. सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, अब सबके घर पर लाशें दिखेंगी. आई एम रियली सॉरी. घिनौना राक्षसों वाला काम जिस किसी ने भी किया है उसे ढूंढ कर सजा देकर सारे लोगों को न्याय दिलवा कर रहूंगा. मैं यहाँ बरसों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किसी को बचा नहीं पाया. ये दर्दनाक है, ये मास मर्डर है. देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, फिलहाल इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते. जिसने भी ये काम किया है मेरी पूरी कोशिश होगी कि कानून से उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले. मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इस जगह के लिए बड़े बड़े लोग खड़े हैं. बिना किसी से झगड़ा किए इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा. लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी. अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका कारण कौन है? हमारी जगह पर हमारे घर में हमें रहने का हक नहीं है क्या राज भाई? जो तुम बोल रही हो वो न्याय के हिसाब से सही है लेकिन वो कितने बड़े राक्षस हैं ये बताने के बाद भी तुम लोगों ने नहीं समझा. फिर क्या, ये सब देख कर हम चुप रहे? बच्चे हो या बूढ़े, बिना देखे सबके ऊपर बराबर अत्याचार किया उन लोगों ने, हम कैसे चुप रहेंगे? मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को चाकू मार दिया. मेरा भाई हमेशा हंसता रहता था, उन्होंने उसकी हंसी छीन ली. मेरी बात सुनो, हमने जिसे खुद चुना है, जिसे जिताया है, वो कॉर्पोरेटर गोपाल भी हमारे साथ है. मैंने उन्हें इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, वो जरूर हमें न्याय दिलाएंगे. इतना सब होने के बाद भी अगर हम ये सोचेंगे कि हमें कोई न्याय दिलाएगा तो जैसे पहले लोगों को लूट के केस क्लोज कर दिया जाता था वैसे ये भी कर दिया जाएगा. 20 या फिर 50 खून भी हो जाए तो वो प्रूफ कर सकते हैं कि ये आत्महत्या है. अब हम चुप नहीं रहेंगे. राम, कितनी बार मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपने गुस्से पर काबू रखो, तुम्हारा गुस्सा ही इस घटना का कारण है. आपकी बात सुनकर चुप रहेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा भाई. हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका जवाब युद्ध करके देंगे. अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपकी किसी भी बात के लिए तैयार हूं. उन खूनियों को नरक पहुंचाए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी. माता, देवी माता, मेरी रक्षा करना. देवी माता रक्षा करना. जय देवी माता. यहां से कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए.
मुझे छोड़ दो भाई, मैंने कोई गलती नहीं की है भाई, छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने खून नहीं करवाया है। तेरे जैसे कमीने इंसान को भगवान या माँ की कसम खाने का भी हक नहीं है। मौत करीब आई है तो पतक कर रहा है तू। सुनो बहन, बहन इसे बोलो ना मुझे छोड़ने के लिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। बहन, दादी, दादी मैंने खून नहीं किया है, दादी, दादाजी मैंने खून नहीं किया है, भैया भैया मैंने खून नहीं किया है, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरी बात पर भरोसा करो भैया, मैंने खून नहीं किया है, धमकी देने से कुछ नहीं होगा, यह जानकर मैंने खून करने का प्लान बनाया था, तुम लोगों में से 100 लोगों को मारने का प्लान बनाया था मैंने, ये सच है, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने मार दिया, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, मेरी बात पर भरोसा करो भाई, अगर मैंने खून किया होता तो मैं यहाँ पर क्यों रहता, अब तक मैं दुबई में रहता और अपना सारा बिजनेस वहीं पर शिफ्ट कर लेता, तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने ये खून नहीं किए है, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। तूने हमारे एरिया पे नजर डाली है, तेरे अलावा और किसकी हिम्मत हो सकती है ये सब करने की, अब तो बचने के लिए ये नाटक कर रहा है। नहीं 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 भैया नहीं, राम नहीं। इसकी बातों में सच्चाई लग रही है, अगर ये खून करता तो ये यहाँ नहीं रहता, इसके पीछे कोई और है। खून नहीं किया है लेकिन खून करने के बारे में सोचा था इसने, ये गलत है, मैंने नहीं ये खून किसी और ने किया है, ये कह के अपने जान की भीख मांग रहा है, लेकिन ये हमारा खून बहाना चाहता था, ये इसने गलत किया, इसके शरीर में भी एक बूंद खून ना रहे। मतलब बद्रीनारायण ने ये खून नहीं करवाया है, इस पर कैसे भरोसा कर सकता है? जब मौत आंखों के सामने होती है तो कोई झूठ नहीं बोलता। फिर किसने करवाया होगा? किसने किया है, किसने करवाया है ये नहीं पता है सर, लेकिन वो चाहे कितना बड़ा भी राक्षस हो, वो राक्षस चाहे किसी भी महल में रहता हो या कितने भी पालतू कुत्तों को पाल के रखा हो, उसको उसके महल से बाहर ले आऊंगा और उसे जान से मार दूंगा। अब ये राम राक्षस बनेगा और दुश्मनों के सर पे मौत बन के मडराएगा, ऐसी मौत दूंगा कि रूह भी कांपेगी। मैं अपनी लाइफ में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ राम। डैडी के छोड़कर जाने के बाद मम्मी ने बाहर की दुनिया वालों से डर कर मुझे बहुत ही स्ट्रिक्टली पाला है। प्यार का मतलब क्या होता है, वो कैसा होता है, तुम मेरी लाइफ में आए उसके बाद ही मुझे ये पता चला। वो बहुत ही स्वाभिमानी है, वो अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकती है, और अब उनके स्वाभिमान का सवाल तुम हो। अगले महीने ही अपने फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी करवाने का डिसाइड किया है। तुमने अपने लोगों को खोया है, इस बात का दुख मुझे पता है। ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए आकर बात करो, ये कहूँ इतनी स्वार्थी नहीं हूँ मैं, तुम आओगे तो भी मेरी माँ मानेगी नहीं। तुम्हारे बिना आगे की लाइफ कैसी होगी ये मुझे नहीं पता। I'll miss you, Ram. मम्मी, मेरा नाम राम है। वो मैं आपकी बेटी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ शादी करके उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और कोई भी तकलीफ दिए बिना आंखों में आंखें डालकर उसे रानी की तरह रखूंगा, है ना? यही कहने के लिए आए हो ना? इन्हीं बातों पर 22 साल पहले मैंने भी भरोसा किया था, इसीलिए मैं और मेरी बेटी आज कुछ भी नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं। और इन सब का कारण है ये पीटर। पीटर? मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। पीटर और खुशी बाप बेटी, माजी आप जानकी हैं? ओ, मेरे बारे में भी बताया है क्या? क्या बोला उन्होंने?
एक लड़की पर भरोसा किया और उसने धोखा दे दिया। दरअसल माँ जी, आप पीटर के बारे में गलत समझ रही हैं। गलत समझ रही हूँ? पेट में रहने वाले बच्चे को अशुभ बच्चा कहना, ये बात मैंने गलत समझा? गर्भवती होने के बावजूद मैं घर छोड़कर गई, समझाकर मुझे वापस नहीं लाए, इस बात को मैंने गलत समझा? बच्ची पैदा हुई, ये बात बताने के बाद भी वो उससे मिलने नहीं आए, इस बात को मैंने गलत समझा? क्या ये सब गलत है? माँ जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन इतने सालों का सच क्या है ये जाने बगैर और पीटर को कितना दर्द और दुख है इस बारे में आप बिल्कुल नहीं जानती हैं माँ जी। माँ जी, आप ये सोचती हैं कि पीटर आपको कभी ढूंढने के लिए नहीं गया? एक्चुअली वो आपको ढूंढने गया था माँ जी, आपको और आपकी बेटी को देखने के लिए। वो आपके घर पे गया था, आप घर पे नहीं है ऐसा कह के आपके भाई ने उसे बाहर से ही लौटा दिया। भाई ने मिसिंग कंप्लेन देके पीटर को जेल भिजवा दिया और आप दोनों एक नहीं हो पाए। पुलिस ने भी पीटर को बहुत यातनाएं दी, पीटर उस गुनाह की सजा काट रहा था जो उसने किया ही नहीं। जेल से निकलने के बाद वो फिर आपको और अपनी बच्ची से माफी मांगने के लिए पूरा मैसूर घूमे, लेकिन आप लोग उसे कहीं नहीं मिली माँ जी। जब उसे ये पता चला कि आप लोग बैंगलोर में हैं, तो वो यहाँ पे आके रहने लग गया। पीटर आपकी याद में एक एक दिन कैसे गुजार रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माँ जी, लेकिन एक बार अगर आपने पीटर की बात शांति से सुनी होती तो आज खुशी को डैडी का प्यार मिल गया होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है राम, बहुत बड़ी गलती हो गई राम। मुझे मेरे पीटर से मिलना है और उनसे माफी मांगनी है। मुझे लेकर चलोगे क्या? प्लीज लेकर चलो। मम्मी, मैं अभी उसे फोन करता हूँ, हाँ एक मिनट। हाँ, जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश। मम्मी, पीटर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ ना, कल सुबह मैं उसे आपसे मिलाने यहाँ खुद लेके आऊंगा। थैंक यू राम। उस रात जब पीटर घर पर आया था, तब अगर मैं बिना गुस्सा किए उनसे बात की होती तो आज हम दोनों में ये दूरियां नहीं होती। जिसने चाकू मारा था मुझे यही है। सारे दुकान बंद है। सारी दुकानें बंद है। अरे यार, अरे चल ना। चला जा जा। सच कह रहा हूँ। अरे चल मिल जाएगा। अरे ये है ना, मिल जाएगा। अरे चल चल। अरे अरे मस्ती करता है। अरे नहीं नहीं आप आजा आजा। अरे रुकने में आ रहा है भाई। उस दिन उसके साथ इस राम को भी मार देते तो टेंशन खत्म हो जाती। ए, और उसने एरिया के लोगों के सामने सभी को खत्म कर देगा ये वचन भी लिया है। देखो, उसे मेरे पास पहुंचने से पहले भगवान के पास पहुंचा दो। इन सब के पीछे कौन कौन है ये पता नहीं चलना चाहिए। भाई, आप किसी बात की टेंशन मत लो भाई। उसने किस इंसान से पंगा लिया है ये सोच के वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई। इसी चीज में उसे फंसा के उठा लूंगा उसे। ए, ए, गोपाल! ए, ए, गोपाल! यहाँ पर पीटर कैसे आया समझ नहीं आ रहा है। जाकर उसे खत्म कर दो। जाओ जल्दी करो। अरे सब तुझे भगवान मानते थे।
अरे तू तो पापी निकला रे पापी। क्या रे गोपाल, तू तो पापी निकला रे, तू है तेरे ऊपर, नहीं बचेगा तू। विचार साहब आप किसी बात की चिंता मत करो, जल्दी ही आपके स्लम को क्लीन करके पूरी तरह से खाली कराने की जिम्मेदारी मेरी, यह भी तो एक देश सेवा जैसे ही है। आप चिंता मत करो भाई, मैं हूं ना, काम हो जाएगा भाई। अन्याय के खिलाफ मारपीट करना गलत नहीं होता है राम, लेकिन उस मारपीट में हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा गुस्सा गलत है, लेकिन ये सब जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम क्या कहोगे? अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो हम लोग पीटर को बचा सकते थे। इतने दिनों से बद्री नारायण हमारा दुश्मन था, इसलिए मैं मारपीट कर रहा था, लेकिन अगर किसी ने पीटर को मारा है तो पीटर को पता चल गया था कि वो कौन है। वो जो भी है हमारे ही बीच रह के हमारी ही पीठ पे छुरा मार रहा है। मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? कितने लोगों ने अपने माँ बाप को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, तुम्हारे किए हुए इंश्योरेंस से उनको भविष्य में जीने का आधार मिल गया है राम। देखो राम, जो भी लोग मरे हैं उनके परिवार को जल्दी इंश्योरेंस का पैसा मिले, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। गुस्सा छोड़ दो राम और जल्द से जल्द उनके लिए कुछ करो। हमारी कंपनी आपको नमस्कार करती है और इस इंश्योरेंस कंपनी में स्वागत है। स्वागत। अगर अभी मैंने तुम्हारे यहाँ इंश्योरेंस करवाया तो मुझे किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे? मतलब जैसे कि बैंकॉक या थाईलैंड, कहाँ भेजोगे? मसाज वसाज जो है वो बाद में करवाएंगे, पहले इंश्योरेंस कैसे करना है वो बॉस बताएंगे। सुनिए सर, हमारी कंपनी में आने से पहले अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या बताइए? क्या बोल रहा है? हॉस्पिटल जाएंगे तब आपको बिल भरना पड़ता। अगर हमारी कंपनी का इंश्योरेंस करवाया होता तो बिल बॉस भरते। हमारे ऑफिस में बिना आए, इंश्योरेंस लिए बिना ही रास्ते में चलते हुए मर गए तो? आगे बताओ। बॉस, बेचारों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया है और अचानक तुम दोनों ही मर जाओ और तुम्हारी सिर्फ बेटी ही बच जाए तो क्या करोगे बताओ इनको? तब वो भी नहीं बचेगे ना, क्योंकि बेचारों ने इंश्योरेंस करवाया नहीं है। अगर अचानक तुम और तुम्हारी बेटी ही मर जाओ और सिर्फ तुम्हारी मैडम ही बच जाए तो बताओ इनको क्या करते? आपके एरिया में मर्द तो होंगे, आंटी का फिगर भी तो अच्छा है। मैं पति बनूंगा ये बोल के रिश्ता जोड़ने आ जाते हैं, लेकिन हमारी कंपनी का इंश्योरेंस करवाया तो हमारे बॉस पति बन जाएंगे। मुंह में जूता डालकर मुंह बंद कर दूंगा अगर दोबारा ये बात बोली तो। इसकी आदत है पकड़ पकड़ करने की। मेरे कहने का मतलब था हमारी कंपनी के बॉस तुम्हारी पत्नी के साथ पति जैसा व्यवहार करेंगे। अच्छी बात बता रहा हूँ तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका कुछ नुकसान हो जाए तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी,
अगर हमारी कंपनी में इंश्योरेंस करवाओगे और आपका ये हाथ टूट गया तो हम हाथ पकड़ लेंगे, और अगर पैर भी टूट गया तो हम लोग तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे, और अचानक सर भी उड़ गया तो सॉरी सर, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए सर। हम जिस पे भी खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर कहीं आपको कुछ हो गया तो भगवान ना करे कुछ हो, इसलिए हमेशा अपने परिवार का इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए सर। ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, सॉरी। दरअसल सर, हमारे एरिया में जितने भी लोग मरे हैं उनके परिवार का इंश्योरेंस क्लेम कर दीजिए सर। श्योर उमेश, बॉस फाइल लेकर आओ। ओके बॉस, मैं तुम्हारी बात को फॉलो करूंगा, जल्द ही इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू, आई एम सो सॉरी बॉस। खून दे रहा था लेकिन उन्हें ए नेगेटिव चाहिए था। ए नेगेटिव? अच्छा ये बता, भाभी का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव था भाई। यहाँ पर तो बी पॉजिटिव लिखा है। सुरेश, तेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? मम्मी का ए नेगेटिव है भाई। नंदी का ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव, यहाँ पे तो ए पॉजिटिव लिखा है। सर, शायद हमारे लोगों का ब्लड ग्रुप चेंज हो गया है। नो, जो लैब से आता है वही तो है इसमें। सर नहीं सर, सबका ब्लड ग्रुप चेंज है। जस्ट अ मिनट उमेश। बॉस वो फाइल लेकर आओ तो। ओके बॉस। बॉस ये लीजिए। ये लो, इसमें सब कुछ है। तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। कुमार ये बता, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, ओ नेगेटिव। सर ये सब तो करेक्ट है, मतलब जिनके घरों में मौत हुई है उनका चेंज है। खुशी, तुम एरिया में जाकर जितने लोग भी मरे हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो। सर ये हेल्थ रिपोर्ट किस लैब की है? सर सॉरी सर, मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है सर। अभी क्लोजिंग टाइम है, सुबह आइएगा। ब्लड ग्रुप चेंज करवाना हो तो? कौन हो तुम? जब तू 20 लोगों का ब्लड ग्रुप चेंज कर सकता है तो मेरा नहीं चेंज कर सकता क्या? इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं पता है तुझे? वही जानने के लिए तो यहाँ आया हूँ, और तू मुझे बता पाएगा? वो लोग कौन है मैं नहीं बता सकता, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बता सकता। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो तेरी फैमिली में सबको मार दूंगा। अपनी फैमिली में सबको मरवाएगा या फिर सच बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। अभी तो ये छोटा सा दर्द नहीं सह पा रहा है, जब तेरी जान लूंगा तब क्या होगा? बता दो कौन है वो? बता दो, वो कॉपरेटर गोपाल भाई। गोपाल भाई? तू सच कह रहा है ना? आखिर उन्होंने ये सब क्यों करवाया? सर उन्होंने ऐसा क्यों कराया मैं नहीं जानता, बहुत प्रेशर था इसलिए करना पड़ा। भरोसा कैसे करूं? माँ की कसम खाता हूँ सर, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर पे आकर ही हमारे लड़कों के सामने मुझे ही मारने की धमकी दे रहा है तू, है? घर तेरा जरूर है पर आदमी सारे मेरे हैं, अब तू नहीं बचेगा, तेरा खेल खत्म।
ए, पकड़ो इसे। राम मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे। सर, प्लीज राम, प्लीज बचा लो मुझे। कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचा लो राम, प्लीज प्लीज राम। सर 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 सर, सर आप बताइए कहाँ है, आप मुझे अपनी लोकेशन भेजिए। भेजता हूँ। ए रुक। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम प्लीज जल्दी आ जाओ। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है सर, मेरे आने के बाद उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ए तुमने अब भागेगा? छोड़ो। छोड़ो मुझे। राम चल चल भाग यहाँ से, भाग निकल, भाग जल्दी भाग। राम ये सब लोग कौन थे और ये लोग मेरा खून क्यों करना चाहते थे? मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, मेरी क्या गलती है? कॉर्पोरेटर गोपाल भाई के लोग हैं ये सर। कॉर्पोरेटर गोपाल? राम हमने अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा है, उस पापी को हमें सबक सिखाना चाहिए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सर्टिफिकेट में सबका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, लेकिन राम सर संभाल के रहिएगा, हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं सर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। राम भरोसा करना होगा सर, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं धोखा मिलता है। मेरा एरिया मेरे लोग कह के उसने हमारी ही पीठ पे छुरा मारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है राम, मुझे लग रहा है ये सब यहीं तक नहीं रुकेगा। 20 मर्डर होने के बाद पीटर की मौत हुई, पीटर के बाद कॉर्पोरेटर की मौत, और उसी दिन मुझ पर भी अटैक हुआ। पता नहीं क्यों मुझे नेक्स्ट टारगेट तुम ही लग रहे हो। आई एम डैम श्योर यू हैव टू बी रियली केयरफुल राम। मुझे छोड़िए सर, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, बाकी जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। राम भाई।
क्या हुआ तुझे? हमारे एरिया के लोगों को खून करने वाला वो राजा है भाई। तेरी तो सच है भाई, सच है। देखो भाई। ए मंजा, स्लम में जिन्होंने 20 लड़कों को मारा और पीटर को मारा उन सारे लड़कों को बुलाओ। जल्द से जल्द आने को कहो, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। पेमेंट डबल लेंगे तो भी मैं दूंगा। तू जाकर उस राम को उठाकर लेकर आ, और मैं जाकर उस कमीने डॉक्टर को लेकर आता हूं। उन दोनों की समाधि यहीं पर बनाऊंगा। राम, कितना मारा है तुम्हें इन लोगों ने। मैंने कहा था ना जरा संभल कर रहना, ये लोग इंसान नहीं हैवान है। बोला था ना, इतना बड़ा मास मर्डर इन लोगों ने किया है, ये लोग जरूर खौफनाक होंगे, इनके खिलाफ मत जाओ। कहा था ना मैंने तुमसे, मेरी बात मानी ही नहीं तुमने। अब सब खत्म हो चुका है, ये लोग मुझे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, सबको मार देंगे। इतने सालों के मेरे प्रोफेशन में एक भी ब्लैक मार्क नहीं था, लेकिन आज तेरी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाती। राम, जो लोग मरे हैं वो तेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं या रिश्तेदार हैं। देख कहां तक पहुंच गया है तू अपनी जिद को लेकर। इस सब का कारण वो राज भाई नहीं है, मैं हूं। तुम्हारे एरिया में जितने लोगों की मौत हुई है मेरी वजह से हुई है। ए, ए, ए। इस सब की शुरुआत कहां से हुई पता है? तूने अपने लोगों का फ्री चेकअप करने के लिए मुझे बुलाया था ना, वहीं पे। इतने लोगों की फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? तेरे लिए वो फ्री हेल्थ कैंप था, लेकिन मेरे लिए प्योर बिजनेस। उसी दिन मैंने 20 लोगों को सिलेक्ट करके वायरस का इंजेक्शन दिया, और उस वायरस की दवाई के रिसर्च में मैंने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया, इसीलिए उनका फ्री टेस्टिंग भी करता था। इस मेडिकल माफिया में मेरा साथ दिया था गोपाल भाई ने, और इसीलिए तुम्हारे एरिया के कॉर्पोरेटर इलेक्शन में मैंने उन्हें खड़ा किया था। मेरे ऊपर किसी को डाउट ना हो, इसलिए तुम्हारे एरिया के लोगों को मैं फ्री ट्रीटमेंट देता था। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, बस्ती के लोगों की तबीयत ठीक नहीं है ये बात जब तुमने मुझसे कही, तब मुझे पता चला कि मेरा मेडिसिन रिवर्स हो गया है और मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। उस समय मैंने बद्री नारायण को आगे किया, उसका इस्तेमाल किया और उन 20 लोगों को खत्म करवा दिया। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद मैं सेफ हो जाता, लेकिन उसी समय गोपाल को पीटर ने देख लिया, फिर पीटर को भी मुझे मारना पड़ा। मेरे एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे एरिया के लोग मरेंगे ये बात तो कंफर्म थी, नेचुरल डेथ ये मैं रिपोर्ट में आराम से लिख सकता था, लेकिन तुमने तुम्हारे लोगों का जो इंश्योरेंस करवाया ना, उसी बात की मुझे चिंता हो रही थी। ए गोपाल भाई, इंश्योरेंस करने के लिए क्यों मान गए तुम? क्यों डॉक्टर, वो लोग मुझे जिताएंगे इसलिए मैंने ये सब किया। लोग तुझे जिताएंगे? डैम इट, ए इडियट, जिसे रोग रहता है उसे इंश्योरेंस कौन देता है? 20 लोगों में मैंने वायरस इंजेक्ट किया है, वो इंश्योरेंस कंपनी अगर ब्लड टेस्ट करने के लिए देगी तो मैं फंस जाऊंगा। पहले उन ब्लड सैंपल्स को चेंज करवा कर रिपोर्ट्स चेंज करवा। लैब रिपोर्टर ने गोपाल भाई का नाम लिया था, ये बात मुझे मेरे लड़कों से पता चली, इसलिए आज ही तेरा किस्सा खत्म। अभी तुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी। ओए,
हेलो राम, राम मुझे बचाओ, राम मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है राम, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, ये लोग मुझे मार देंगे राम। ठीक है ना राम? हेलो राम, मुझे बचाओ राम। विकला को मैंने राज भाई के घर पर भेजा था तुम पर नजर रखने के लिए, परसों ही आया है हमारे यहाँ काम पर। लेकिन आप इस तरह से कनेक्ट हो जाओगे पता नहीं था, पहले ही अगर कनेक्ट हो जाते तो काम इजी हो जाता। अब जाने दो डॉक्टर, अब तो हम लोग एक तरह से एक ही कैटेगरी में है ना। तुम्हें लोग चाहिए, मुझे जगह चाहिए, लेकिन हम दोनों को राम चाहिए। इस दुनिया में कौन अच्छा है? लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनकर, करोड़ों रुपए खर्च कर हॉस्पिटल खोलकर, मैं लोगों को ऐसे ही फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए बैठा हूँ, ऐसा समझ रहा है तू? ए पागल, अगर रोग ही नहीं होगा तो हम डॉक्टर्स क्या करेंगे? इसीलिए हम नए नए वायरस क्रिएट करते हैं, जिस रोग का कोई नाम नहीं होता ऐसे रोग बनाते हैं और उसके लिए दवा भी हम ही खोजते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए गरीब, अनाथ, तुम्हारे जैसे स्लम में रहने वाले कई लोग मिल जाते हैं, उन सबको हम अच्छी तरह से यूज करते हैं। इतने सारे लोगों का खून किया लेकिन तेरी फैमिली को टच भी नहीं किया मैंने, चुपचाप रहना चाहिए था ना तुझे, पहले ही तुझे छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, देर से ही सही। खत्म कर दो इसे। दो मिनट यहीं रुकना, मैं आ रहा हूं। ए हरि प्रसाद, पीठ पे छुरा तूने मारा है, ये बात मुझे पता थी। क्या पाप किया था मेरे लोगों ने? एक आता है कहता है जगह चाहिए, फिर दूसरा आता है कहता है हमें वोट चाहिए, लेकिन तेरे जैसे लोग आते हैं और कहते हैं जान चाहिए। ए, डॉक्टर का काम होता है कि वो इंसान की जान बचाए, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तूने जिन्हें मारा है वो मासूम लोग थे, तूने उन मासूमों के साथ विश्वासघात किया है, तूने इंसानियत का गला घोटा है। ए हरि प्रसाद, अब तक जो चल रहा था वो तेरा प्लान था, लेकिन आज यहां से सिर्फ दो लोग बाहर जाएंगे, मैं और अपने लोगों का इंश्योरेंस क्लेम करने गया तो मुझे पता चला कि उन 20 लोगों का ब्लड ग्रुप चेंज हो गया है। इन सब का कारण गोपाल भाई है, तभी तूने मुझे कॉल किया। सीन कब रिवर्स हुआ पता है क्या राम? डेथ सर्टिफिकेट में सारे ब्लड ग्रुप मैच हो रहे हैं, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी तो ये सब लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर से जी रहे थे। अगर उनकी मौत खून की वजह से नहीं होती ना, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत पक्का होने ही वाली थी। एक बात बताओ, ये सब तुमने बढ़ने कैसे दिया? शुरुआत में ही ब्लड टेस्ट करवा लिया होता तो ये सब चीजें पता चल जाती। ब्लड टेस्ट? सारे ब्लड सैंपल्स लेकर लैब में आ जाना। ओके, भूलना मत। राम, हाँ? अब मैं चलता हूँ। सब लोग ठीक तो है ना सर? ये एरिया साफ नहीं है ना, इसलिए हो रहा है, चिंता मत करो। नहीं सर, डॉक्टर ने सभी का ब्लड टेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है,
उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और कहा कि ये लेते रहना। क्या कहा? मेडिसिन देते थे। ब्लड टेस्ट करने के बाद इस डिब्बे में से ये गोलियां देते थे उनको। दिस इज रियली शॉकिंग। हमारे देश में कितने बड़े डॉक्टर्स हैं और ये देखो, गोली का नाम ही नहीं है, कंपनी का भी नहीं, बैच नंबर तक नहीं है। ये सारी मेडिसिन बिना अप्रूवल के बनाई जाती हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में ही इनका यूज होता है। अगर इनका इस्तेमाल पेशेंट्स पर किया जाए तो वो इलीगल है, कानून के हिसाब से ये अपराध है। अब देखो, जब भी कोई नई दवा तैयार होती है ना, तो उसे सबसे पहले जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो ऐसे जानवर होते हैं जिन पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सक्सेस रेट देखकर इंसान को कोई तकलीफ ना हो ये कंफर्म करने के बाद ही हम हमारे पेशेंट्स को दवाई सजेस्ट करते हैं। प्रोसेस तो यही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये जो दवाइयां बनती है ना, उन्हें इंसानों पर सीधा प्रयोग करते हैं। इसे हम ह्यूमन गिनी पिग भी कहते हैं, मानव प्रयोग पशु, और ये इल्लीगल है। कानून के हिसाब से ये एक बड़ा अपराध है। जरा इसे देखो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और इसकी वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जिनके बारे में पता चला है उनकी संख्या बहुत कम है। इन लोगों का टारगेट पता है कौन है? गरीब लोग जो अशिक्षित हैं और बेसहारा हैं। वो इन लोगों की मुफ्त में सेवा करते हैं, मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में दवाई देते हैं। इस तरह उन्हें प्रयोग के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है, और ये है मेडिकल माफिया का बहुत बड़ा स्कैम। नालायक कमीनों, बेवकूफों, सिर्फ एक आदमी को नहीं मार सके तुम लोग। उस दिन तेरा असली चेहरा जानने के बाद मुझे समझ आ गया कि राज भाई को अब खतरा है। ए, लग रहा है कोई आ रहा है, जाओ तुम लोग जाओ। मैं यहां आपसे कुछ कहने आया था। आप ही एक हैं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इन सब का कारण वो हरि प्रसाद है राज भाई। ये तुम क्या बोल रहे हो? अब हमारा डॉक्टर? हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चलो उसे खत्म कर दे। नहीं राज भाई, वो सिर्फ अकेला नहीं है राज भाई। उसने जिन भी लोगों के साथ मिलके हमारे लोगों को मारा है, उन सबको चुन चुन के मारूंगा। तभी तेरे पालतू कुत्ते को समझा कर राज भाई ने तुझे बुलवाया। अब जाने दो डॉक्टर, अब तो हम लोग एक तरह से एक ही कैटेगरी में है ना। तुम्हें लोग चाहिए, मुझे जगह चाहिए, लेकिन हम दोनों को राम चाहिए। राम चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उसे मारना इतना आसान नहीं है। डैम इट। डॉक्टर बोलिए। इन सब में मैं भी शामिल हूं। जब उसे ये पता चलेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा, फिर वो मेरे पास आएगा, तभी हम उसे मार डालेंगे। राइट। लेकिन अगर आप उसे जाकर बताएंगे तो वो नहीं मानेगा। तो क्या करें? आप मोबाइल निकालो, अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड करो। ऐ मंचा, स्लम में जिन्होंने 20 लोगों को मारा है और पीटर को मारा है, उन सभी लड़कों को मेरे पास लेकर आओ। कोई मिस नहीं होना चाहिए। मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूं। जिन हाथों से लोगों की जान बचनी चाहिए, वही हाथ लोगों की जान भी ले सकता है, ये पता ही नहीं था तो कैसा इंसान है रे। हम लोग तो भगवान समझकर तेरी पूजा करते थे। हमेशा तेरे जैसे राक्षसों को खत्म करने के लिए राम पैदा होते हैं। मरने के बाद भी तुझे माफी नहीं मिलेगी। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर तेरे जैसे कमीने होते हैं मुझे नहीं पता था। जिस दिन मुझे सच पता चला था उसी दिन मैं तुझे मारने गया था, तू बच गया, लेकिन आज यहां मौत का तांडव होगा। राज भाई, मार डालो। नहीं। Hey!
जैसे उग्र चंडिका। बरसा 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 आज आग जैसे बरसा। देख 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 मुझे खड़ा हूँ जैसे बनती यार तेरा। मैं मृत्यु तेरा हूँ मेरे आगे बेबस तू बस तू हाथों से जीवन तेरा। अपनाया उभर के है वो रूप मेरा जो रौंदेगा पल भर में जीवन ये तेरा। त्रिभुवन का पेकर खर आहट मेरी चल जा कर ले कुछ भी चाहे जो करना। इश्का ज्वाला उगले हर सांस ये मेरी नामुमकिन है मुझसे बचना तेरा। कर दो नस नस मेरी मांग लव तेरा। देख ले रे आज कने तांडव साक्षात होत्यो हर दिल थमके के उन्माद आज निकला घर से भाग तो भी डर के। आजरा आजमा आज अपने गति आज मैं तेरी कर दूँ। आजरा आजमा आज अपनी ताकत को तू गति आज मैं तेरी कर दूँ। अब आया उभर के है को रूप मेरा जो देगा पल भर में जीवन ये तेरा। त्रिभुवन का पेतर थर आहट को सुन मेरी चल जा कर ले जो भी चाहे वो करना। ज्वाला उगले हर सांस ये मेरी नामुमकिन है मुझसे बचना तेरा। छोड़ना नहीं उसे धरती अफरी है जैसे बरसा 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 आज आग जैसे बरसा। देख 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 मुझे खड़ा हूँ जैसे बनती है तेरा। त्रिभुवन का पेतर थर आहट तो सुन मेरी चल जा कर ले कुछ भी चाहे जो करना। इश्का ज्वाला उगले हर सांस ये मेरी नामुमकिन है मुझसे बचना तेरा। राम बुरे काम का नतीजा क्या होता है ये सबको पता चलना चाहिए। राज भैया सिर्फ एक कमीने की वजह से दिन रात हमारी सेवा करने वाली पूरी डॉक्टर जाति कलंकित हो जाती। हम उन्हें भगवान समझते हैं तो उन्हें भगवान ही रहने दीजिए।